मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विकास पर्व के अंतर्गत नकवाड़ा से जिजगांव खुद्र मार्ग का भूमि पूजन किया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि शिवराज सरकार के राज्य में चौमुखी विकास हो रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने 4,33,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 3 किलोमीटर लंबी नकवाड़ा से जिजगांव खुद्र को जोड़ने वाली डामर रोड का भूमि पूजन किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जब से हरदा में भाजपा की सरकार बनी है तब से यहां पर चौमुखी विकास हुआ है। भाजपा के शासनकाल में सड़कों का चारों तरफ जाल बिछ गया है। भाजपा की सरकार किसान हितेशी सरकार है। भाजपा गरीब किसान के लिए ये सरकार काम कर रही है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, मंडल अध्यक्ष नवनीत पराशर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास किया है और इसलिए हम विकास पर्व मना रहे हैं और विकास पर्व में रोज एक दो भूमि पूजन और हम कर रहे हैं। अभी हरदा विधानसभा क्षेत्र की हरदा तहसील के ग्राम नकवाड़ा में, नकवाड़ा से जिजगांव अंदर ही अंदर 2.5 किलोमीटर रोड है जो 4,33,00,000 से भी अधिक राशि का स्वीकृत किया है, जिसका आज हमने भूमि पूजन किया है। जो गांव के अंदर सीमेंट रोड बनेगा, नाली बनेगी और बाकी डामर, और इसके कारण पूरे गांव के लोग बहुत प्रसन्न है। कमल की तरह सबके चेहरे खिल रहे हैं और इससे किसान को खेत में जाने में, एक दूसरे को आने में दिक्कत रहती थी बारिश के समय, उससे मुक्ति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में आंतरिक खेत की सड़क जैसा सड़क की होगी। जैसे मेन रोड तो सड़क है ही जिस गांव से, लेकिन अंदर से भी दिया, एक रोड हमने और दिया है जो नहर से होते हुए किसानों के खेतों तक जाएगा 3 किलोमीटर। वो यहाँ चटकुल मटकुल नदी है जो आज़ादी के 75 साल पहले अंग्रेजों का शासन ढाई और राजा महाराजाओं का, जब से नदी है जब से पुल नहीं था उसका पुल भी स्वीकृत कर दिया। ऐसे हमने चारों तरफ सड़कों की जाल बिछाई है और मैं ये मानता हूँ कि मैं पहले किसान हूँ बाद में मंत्री हूँ, किसानों को सबसे अधिक काम पड़ता है अपने खेत में जाने का। सुबह 4-5 बजे उठ के वो खेत में जाता है, पहले 80 कड़ी के गोए थे, वो 10 कड़ी के भी नहीं बचे। उनका अतिक्रमण मुक्त करा के 2 फुट ऊँचे हटवर को बढ़िया ग्रेवर रोड वो बनाने का भी हमने निर्णय लिया मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के तहत, आगे जाके वो भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।